हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय मां भवानी सर। जय मां भवानी की। देखिए साथी, अपने सरदार जी को मेले में गए हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। नीता दीदी, थोड़ी देर और इंतजार किया जाए, उसके बाद हम सरदार जी की खबर पर चलेंगे। ठीक है। सरदार जी, ये आखिरी कौन है? नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, कौन है सरदार जी? हरामजादी, इसे कुछ मत कहना, पुलिस मुठभेड़ में मुझे गोली लग गई उठाकर। मुसाफिर, मेरे सरदार जी की जैसे इतनी मदद किए, थोड़ी सी मदद और कर दीजिए मुसाफिर। मैं ये गरीबों के भगवान हैं, इनके लिए अगर मुझे जान देना होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनकी जिंदगी दे दें। ये कुछ पहाड़ी के पास पड़े हुए थे, इनके गोली लगी थी, इन्होंने कहा मेरे अड्डे तक पहुंचा दो, वही मैं इनको लेकर के आया हूँ। देवी जी, एक एहसान मुझ पे और कर दीजिए मुसाफिर। बोलिए। मैं बता रही हूँ, लगी सारी दारी के गोली, खतरे में जिंदगानी है। लगी सारी दारी के गोली, खतरे में जिंदगानी है। निकालो जिस्म से गोली, करो मैं हर बार। मुसाफिर, मेरे सरदार जी की सीने की गोली निकाल दीजिए, इतना एहसान मुझ पे कर दीजिए, और कुछ नहीं मेरे सरदार जी। ठीक है देवी जी, मैं इनकी गोली निकाल दूंगा, अगर भगवान चाहेंगे तो इनकी जिंदगी बच जाएगी। सरदार जी, आप सीनी की गोली निकलवाएं? नहीं नहीं साथियों, नहीं। तो मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा नहीं, लगी गोली को मेरे निकालो नहीं। रहने वाले कहाँ के हो तुम नौजवान, नाम अब तक तुम मुझसे बताए नहीं। नौजवान साथी, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, और मुझे मेले से उठाकर मेरे साथियों के पास आप पहुंचाए हैं? हाँ बाबूजी, मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है, और कैसे मैं आपको यहाँ पर लाया, किस मुसीबत का मारा हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। सुनिए बाबूजी, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। कर सारी जात भिखारी बनाए, दहेज में दिया जो दुनिया का दस्तूर है, और नाम सूरज मेरा नौकरी नाम। नौकरी ना मिली, दहेज में मैं दिया जो की दसी।
बाबूजी, मैं आसनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज है। मेरे एक बहन थी, उसी की शादी में दहेज के लिए मैंने अपना घर द्वार सब दे करके आज दर दर की भीख मांग रहा हूँ। मेरा नाम सूरज है। सूरज मुन्ना, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी मदद की। अगर तुम वात लाते न उठाकर मेरे साथियों के पास, तो वहीं पर मेरी दम टूट गई होती। लेकिन तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो आज तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची हुई है। लेकिन आज के बाद इस चंबल के सरदार बनकर रहोगे। सरदार, जहां भी चोरी डकैती करने जाना, अंधे लूले लंगड़े अपाहिज मिलते हैं, तो सदा तुम उनकी रक्षा करना। रक्षा, और किसी की बहन बेटी हो मुन्ना, किसी की बहन बेटी हो, सदा तुम उन्हें अपनी बहन बेटी। नहीं सरदार जी, हमें छोड़कर चले गए। क्या करोगे मुन्ना, जितने दिन के लिए जो आया है उतना ही दिन संसार में रहेगा। एक दिन सबको चलना है। चंबल का सरदार मुझे बना करके और साथ छोड़कर चले गए। मुन्ना, एक दिन तो सबको चलना है। सुगाना उड़ी जाई है, एक दिन पाला सुगाना उड़ी जाई है, एक दिन पाला सुगाना उड़ी। सुगाना उड़ी जाई है, सुगाना उड़ी जाई है, एक दिन पाला सुगना उड़ी जाई है, एक दिन पाला। बेटवा पाले सुख की तैया, बेटवा पाले सुख की तैया, बाबू सुख की तैया, सुख की तैया, बाबू सुख की। औतई में हरी, औतई में हरी अलग होई जाई है, एक दिन पाला सुगना उड़ी जाई है, एक दिन पाला। बिटिया पाले सुख की तैया, बिटिया पाले सुख की तैया, बाबू सुख की तैया। एक दिन वनहू, एक दिन पाला सुगना उड़ी। मुन्ना, सबको एक दिन दुनिया से चलना है। पहले अपने सरदार की लाश का अंतिम दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद इनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। भैया, आप मुझे पहचान रहे हो? ये आवाज तो मैंने कभी सुना है, लेकिन ऐसे कहाँ हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं पहचान नहीं पा रहा। मैं बता रही हूँ, मैं कौन हूँ मेरे भाई। तो आप हैं भैया सूरज मेरे,
आए घड़ी सामने तेरी रीता बहन। अरे रीता। हाँ भैया। हाय खड़ी सामने तेरी रीता बहन, मेरी हालत ने डाकू बनाया मुझे, मेरी हालत ने डाकू बनाया मुझे, दहेज दे कर बानी ना पिया की दुल्हन। अरे रीता। हाँ भैया। अरे तू डाकू कैसे बनी रे, तेरे परिवार वाले सब कहाँ पर गए, कैसे तू डाकू बनकर टह रही रे? भैया आपने हमारे लिए अपना घर द्वार सब ठाकुर के यहाँ बेच दिए, 2 लाख रुपया घर द्वार बेच करके लाए, और कहे आपने बोला बहन जाओ अपने ससुराल, पैसा अपने सासु माँ को दे देना, आज के बाद तुम्हारी सासु माँ तुमको नहीं सताएगी। तू रीता। लेकिन भैया वहाँ जब मैं गई तो वहाँ सब उल्टा ही हो गया। क्या हुआ रीता, कैसे? आपने 2 लाख रुपया दिया था, वो पैसा उठा करके मैं अपने सासु माँ को दे देती हूँ। यानी मैंने जो 2 लाख रुपया दिया ले जाकर अपनी सासु माँ को तुमने दिया? हाँ भैया, और मेरी सास ने वो पैसा उठा करके मुनीम चंडी राम को गिनने के लिए दे दिया भैया। यानी तुम्हारी सास ने मुनीम को गिनने को दिया? हाँ भैया। तो और मुनीम हराम ज्यादा 2 लाख रुपए में के सारा पैसा चुरा करके उसमें बताता है कि 3,000 रुपया है। क्या कहा, पैसा चुरा लिया और क्या कहा 3,000 है? हाँ भैया। इतना सुनते ही मेरी सासू माँ गुस्से में हो गई, लाख कहती रही सासू माँ मैं पूरा पैसा लेके आई थी, मेरा यकीन करो मेरे भैया मेरे लिए अपने घर द्वार सब बर्बाद कर दिए। लेकिन एक बात भी यकीन नहीं हुआ, मारते मारते जब मैं बेहोश हो गई भैया तो मेरी सासू माँ क्या कहा, पैसा भी चुरा लिया, जब तुमने कहा पैसा इसमें चुराया गया तो मारना शुरू कर दिया। हाँ भैया, इतना मारा भैया कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हो गई भैया तो दोनों ने हरामजादे ने मुझे मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिए भैया। जब बेहोश हो गई तो मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया तो बची कैसे तुम? भैया उसी मुनीम चंडी राम की एक बेटी है जिस बहन का नाम चंदा है, अगर वही बहन नहीं होती तो आपकी रीता बहन आपके सामने नहीं होती मेरे भाई। रीता। अरे क्या किया, रुपया भी चुरा लिया, तुम्हें जिंदा जला दिया। अरे दहेज चलो भी, दहेज लेने के बाद भी बहन बेटियों के साथ ऐसा अपराध और अत्याचार हो रहा है, इन्हें दहेज देकर मार डाला जा रहा है, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है। अरे दहेज के लो भी, दहेज लेने के बाद तेरी दुर्दशा किया रीता। मैंने आज तेरे सुख के लिए घर द्वार बेच करके दर दर भीख मांग रहा कि मेरी बहन को कोई मुसीबत न पड़े, मेरी बहन का दुख दूर हो जाए, मेरी बहन का जीवन सुख से बीते, लेकिन मेरे घर द्वार बेचने के बाद दहेज देने के बाद तेरी ये हाल। हाँ भैया। अगर मुनीम चंडी राम ने और तेरी सास ने जो जिंदा जलाने की कोशिश किया है तो सुन, मैं अब तू जिंदा छोड़ू नहीं, चंडी बदकार को तेरा गिन गिन के बदला चुका हूँ, गवें डाकू बन जाने दो रीता मुझे, मौत के घाट दोनों को पहुंचाऊंगा। हाँ भैया। दहेज लेने के बाद तेरा जीना दुश्वार कर दिया, पापियों को हम मौत के घाट उतारूंगा ताकि हमारा समाज में हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा अपराध हो, पाप ना हो, मुझे वर्दी पहनने दे रीता, उसके बाद देख दुनिया में क्या करता हूँ। बोलो मां भवानी की जय।
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई यार, प्यार में हंस के गुजर जाना है यार, बिना ही मुझको ये मर जाना है यार। का मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई यार, प्यार में हंस के गुजर अरे सिठानी, क्या बात है, किसकी याद में तुम परेशान हो? आप ही की याद में। तो मेरा इंतजार कर रही हो? जी हाँ। ये नहीं पूछोगे मैं गया कहाँ था? कहाँ गए थे? मैं बेटी के लिए वर ढूंढने गया था। अच्छा जी हाँ। मिला? वर मन का मिला नहीं, वर मिलता घर नहीं मिलता, घर मिलता वर नहीं मिलता। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम्हारे साथ आराम करना चाहता हूँ। सच में? जी हाँ। चलो आओ। होगा तेरा आशिक जमाना, मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने वो दीवाने। बचकर मेरी नजरों से प्यार में किया चंडी बदकार से, तुझको संसार में जिंदा छोड़ू नहीं, काटू तेरी गर्दन में तलवार। आराम जादी नालायक, आज तेरा असली चेहरा सामने आया है और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस खबरदार, अच्छे तुम चले जाइए, बस खबरदार, अच्छे तुम चले जाइए, तेरी माता हुई है हमारी शर्म, जा चला जा भलाई, और इसी में तेरी मारते गे दूध हम भेजू भूल के। बस खबरदार, पापी जुबा रोक ले, अपने कर्मों की बेशक सजा पाएगा, तुझको संसार में जिंदा छोड़ू नहीं, सर जमी पर लुढ़कता नजर आए। किसकी कुमत में तेरी उछल कूद है, किसकी कुमत में तेरी उछल कूद है, मैं सलाह डालूंगा डाल जिंदान में, तू तो ना चीज है मुझको जाना नहीं, मेरी तहसत से बेसाब आता हूँ। अजय, देख लिया कि तुम्हारी माँ हमारे रखे लेकिन नहीं। अरे कुत्ते हराम चौदे नालायक,
तेरी तो शक्ल देखना पाप है। चुप आराम चुप। केकर शक्ल देखे पाप बबरे, तुझे मैं क्या समझा और तू क्या निकली जहरीली नागिन। अजय तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी माँ हमारी रखेल है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगी। अरे नालायक, आज मैं चाहूं तुम्हारी बोटी बोटी काट दूं, लेकिन नहीं, ये घर खूनी कहलाएगा, इसलिए हम तुम्हारी यहां पर जान नहीं लेंगे। ये कपड़े उतार, ये कपड़े हरामी कपड़े, बहुत महंगा मंगाए। उतार जल्दी। देख, अरे इधर देख रहे। अरे मुनीम, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष है। कपड़े उतार और इस घर को छोड़कर इतना दूर चला जा कि तेरी सूरत मेरे सामने नजर नहीं आना चाहिए, और नजर आ गई या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। हरामखोर, मां तो मां होती है, चाहे सौतेली मां हो चाहे वो शगी मां हो। हरामखोर, इसे मैंने क्या समझा और ए जहरीली नागिन क्या निकली। हराम खोर ये जहरीली, बदतमीज ये जहरीली नागिन, क्या समझ रखा है। अजय, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है। ये घर छोड़कर बहुत जल्द मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए। अरे मुनीम, आज मेरा भाई विजय होता, आज मेरा भाई विजय होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। विजय 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 तो शाला मर गया होगा रे। ये घर छोड़कर तू हट जा। अरे शेठानी, मेरे रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। ए भी गया हरामखोर, अब तो बढ़िया है ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। चलो चलते हैं, चलो आराम किया। आज बढ़िया खाना बना किया। क्या खिलाओगी? हलवा पूड़ी आज बनाओ। ये बात है। चलो कोई बात नहीं। अरे बहिया छोड़ दा, बहिया छोड़ दा, भोरी हो गई बाबलम, हमरा लागे शरम, हमरा लागे शरम। छोड़ दो ना। ए जी, अंगन दुआरा, अंगन दुआरा, जोरी हो गई बाबलम, हमरा ला